शनिदेव की पूजा में भूलकर भी न करें ये गलतियां, सहना पड़ेगा भारी कष्ट। शनिदेव की पूजा करते समय नीले या काले रंगों का ही प्रयोग कीजिए। आप भूलकर भी लाल रंग या फिर लाल फूल का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि लाल रंग मंगल का परिचायक होता है और मंगल शनिदेव के शत्रु ग्रह माने गए हैं। शनिदेव की पूजा में गलती से भी तांबे के बर्तन का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि तांबे का संबंध सूर्य देव से है और सूर्य पुत्र होने के बावजूद भी शनिदेव सूर्य देवता के शत्रु हैं। आप शनिदेव की पूजा में हमेशा लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल कीजिए। शनिदेव की पूजा के दौरान दिशा का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। आमतौर पर सभी लोग अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके पूजा करते हैं, परंतु शनिदेव की पूजा करते समय अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर रखना चाहिए। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि शनिदेव को दक्षिण दिशा का स्वामी माना जाता है। शनिदेव की पूजा कभी भी उनकी मूर्ति के सीधे सामने खड़े होकर नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इससे उनकी कुदृष्टि पड़ती है और जिससे जीवन में कष्ट बढ़ते हैं। शनिदेव की पूजा हमेशा मूर्ति के दाएं या बाएं खड़े होकर ही करना चाहिए। अगर शनि मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो कभी भी शनिदेव की आँखों में आँखें डालकर उनके दर्शन ना करें। शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए बेहतर है कि शनिदेव की मूर्ति की बजाय उनके शिला रूप के दर्शन करें। अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करके इनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रत्येक शनिवार के दिन उन्हें काले तिल और खिचड़ी का भोग लगाना मत भूलिए। शनिदेव की पूजा करते समय आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। आप शनिदेव की पूजा गंदगी भरे माहौल या गंदे कपड़े पहनकर भूलकर भी मत कीजिए। शनिदेव की पूजा पास के किसी मंदिर में जाकर करना उचित होता है। इनकी पूजा करते समय इनके सामने दीपक नहीं जलाना चाहिए। इसके बजाय किसी पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को तेल अर्पित करते वक्त विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि तेल चढ़ाते समय ये इधर उधर ना गिरे। यदि घर में शनिदेव की पूजा करना चाह रहे हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ बैठकर शनिदेव का ध्यान करते हुए मंत्रों का जाप करें और उन्हें प्रणाम करें। पैसों की तंगी चल रही है तो शनिवार के दिन पीपल की 7 पत्तियों को घर लाएं और हल्दी से उस पर ह्रीम लिखें और शाम को शनि मंदिर में भगवान के सामने रख दें। मान्यता है इससे धन की कमी दूर होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।